आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नौशेरा में इस वक्त मौजूद हूँ और मैं एक एक करके स्टूडेंट से गपशप लगाऊंगा और उनसे उनकी जो स्टूडेंट लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम एक एक करके सीधी से सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट से मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मेरे साथ अहसान बैठा है, अहसान अरोड़ा। अहसान मेरे साथ बैठा है और ये स्टैटिस्टिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा है, मैं भी इसके साथ यहाँ पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं भी इससे पूछूंगा कि आप जो स्टैटिस्टिक फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपने पिक किया है, क्या आपने ये बखुशी पिक किया है या एक्सीडेंटली पिक किया है? जी अहसान साहब, इस बारे में बताएं। जी ये मास्क उतार नहीं ये जो है ना स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में मैं एक्सीडेंटली आया हूँ। मेरा अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी था, जूलॉजी की तरफ। जी जी, मैं जूलॉजी की तरफ जाना चाहता था बट मेरिट की वजह से मेरे मार्क्स कम थे तो वहाँ जा नहीं सका, बस एक्सीडेंटली यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, मैंने सुना कि आपने मेडिकल पढ़ा है, मेडिकल, तो आप मेडिकल की तरफ क्यों नहीं गए जब आप यहाँ पर आए? एक्चुअली ईटा टेस्ट देना होता है और ईटा में वही लोग जाते हैं ना जिनके मतलब 1000 से अबव मार्क्स हो और यही कुछ सिस्टम उनका होता है। तो मेरे मार्क्स जो थे ना तकरीबन वो 761 मार्क्स थे मेरे, तो मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा कम थे जिसकी वजह से मुझे आगे जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, तो फिर आपने मेडिकल क्यों चूज़ किया था? मैंने मेडिकल अपनी वजह से चूज़ किया था क्योंकि मुझे बायो में इंटरेस्ट था और मुझे इस वजह से मैंने चूज़ किया था, मुझे बायो आता था तो इस वजह से मतलब इंटरेस्ट उधर था। अच्छा, आसान कह रहे हैं कि मैंने इस वजह से बायो को पिक किया था, मेडिकल को पिक किया था क्योंकि मुझे इस चीज़ से मोहब्बत थी, शौक थी, लेकिन फिर आगे मैं इसमें नहीं चल सका। तो यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि स्टूडेंट जब किसी सब्जेक्ट को पिक कर रहा होता है तो उसको चाहिए कि उस वक्त सोचे और किससे मशवरा करे कि अच्छी सब्जेक्ट को पिक करे और वो सब्जेक्ट पिक करे जो उसे मज़ा भी देता है और उसे आता भी हो। बहुत बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वो वही सब्जेक्ट पिक करते हैं जिसमें उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। मार्क्स की बात नहीं होती, मार्क्स भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मार्क्स नहीं, मार्क्स के साथ साथ आपको वो सब्जेक्ट आना भी चाहिए। बाद अवकात ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं लेकिन वो आपको आता नहीं होता है, तो इस वजह से फिर मसला करते हैं आगे। तो मैं एक दूसरी स्टूडेंट से भी मिलूंगा ना, सोच समझ के पिक करते हैं, हमें उनके बारे में पता होता है कि हमें आगे क्या करना है। ये एक्सीडेंटली इस तरह होता है ना कि आपको कुछ रास्ते में रुकावटें आ जाती है, मतलब ऑब्स्टिकल्स कुछ आ जाती है जिसकी वजह से आप अपने गोल से थोड़ा सा हट जाते हैं, बट आपको फिर भी कोशिश करनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट में, मुझे यहाँ मिला, तो मतलब इसका पिछले सब्जेक्ट में इसका कोई अमल दखल नहीं है कि मतलब आपने वो पिक किया था तो ये अब आपको मुश्किल है। हाँ, मुश्किल होती है, लेकिन ये है ना कि आपने बायो पढ़ा है तो आप बायो की तरफ जाए और किसी से मशवरा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि लोग आपको गलत मशवरे अक्सर देते हैं। मुझे नहीं, अगर किसी उस्ताद के साथ किसी उस्ताद के साथ आप बैठे या ज़रूरी नहीं है उस्ताद आपको सही मशवरा दे, उस्ताद भी इंसान है, वो भी गलत हो सकता है, बट आपने ना खुद सोचना क्या। मैंने कहा ना कि आपको अपनी जी देखना भी है कि आपको आता भी है। हाँ, आप जैसे इस वजह से मैं कह रहा हूँ मैंने बायो इस वजह से पढ़ी है कि मुझे बायो। अच्छा, आसान को बायो पसंद थी लेकिन बायो ने आसान के लेकिन बायो ने आसान के साथ वफा नहीं की और धोखा दे दिया। अभी स्टैटिस्टिक अभी मैं एक गुजारिश है मेरी कि अगर ये टेस्ट वगैरह सिस्टम रखा जाए ना मेरिट, अब ज़रूरी नहीं है कोई नकल करके मार्क्स ले ले और उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए और जिसका मतलब जिसको जिसकी ज़रूरत हो और वो ना मिल सके। तो अगर टेस्ट वगैरह का सिस्टम होता फिर भी अच्छा था, मेरिट लिस्ट लग जाता है डायरेक्ट, बस वो आपको ले लेते हैं। ये मेरे टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट तो बस पेपर होती है ना, पेपर हो पेपर भी एक टेस्ट होता है ना, पेपर भी एक टेस्ट होता है, बट आपको जो है ना ये मेरा मसला ये होता है ना कि अगर कोई वहाँ पर आपको मार्क्स कम दे दे नकल वगैरह करके मार्क्स ले ले, आपको तो सब पता है ना, आप भी स्टूडेंट हो, आपको तो पता होता है, आपको तो पता होता है ना कि किस तरह लोग नकल करते हैं, क्या करते क्या नहीं करते, आपको तो खुद। अच्छा, आसान कह रहे हैं कि पेपर जो होते हैं ये नकल भी हो सकता है किसी स्टूडेंट को मार्क्स के मार्क्स की बिना पर नहीं मापना चाहिए, नहीं मापना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट की एक इसकी जीनियस को भी, इसकी जो काबिलियत है उसको भी जांचना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलता हूँ। लाउडली
अच्छा, मैं अभी दूसरे स्टूडेंट के साथ अभी बैठा हूँ जो मोहम्मद असद नाम का, मैं उससे भी इस बारे में डिस्कस करूँगा कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है क्या आपने एक्सीडेंटली किया है या आपने अपनी पसंद से किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने बिल्कुल एक्सीडेंटली ये एग्जाम में आया हूँ क्योंकि मेरा ख्वाहिश थी कि मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जाऊँ, लेकिन मेरे मार्क्स कम थे, थोड़ा थे, तो उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था मैथमेटिक्स के लिए, तो बस अचानक मुझे यहीं दाखिला मिल गया तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब उम्मीद है कि इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँ और मैं आगे चला जाऊँ। मोहम्मद असद कह रहा है कि अगर मैं इसमें इंशाल्लाह, उसके इरादे अच्छे हैं, वो कह रहा है कि मैं इसमें स्ट्रगल करूँगा, मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह अच्छा हो जाऊँगा। आप मुझे बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है मैट्रिक लेवल का, तो उनको क्या चाहिए कि वो बीएस में सब्जेक्ट जो सिलेक्शन है उसमें वो उसे क्या करना चाहिए कि सब्जेक्ट मैट्रिक के स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने आप को पहले जज करें कि वो क्या कर सकते हैं, मतलब वो क्या उनको क्या अच्छा लगता है। आजकल लोग ऐसे करते हैं कि उनको आता कुछ हो रहा है, वो जाते हैं किसी और डिपार्टमेंट में, तो आगे कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए कि अपने आप को जज करें कि पहले वो क्या मैथ्स पढ़ सकते हैं या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकते नहीं। बात आपका सहमत है कि घरों से माँ बाप भी बच्चे पर फोर्स लगाते हैं कि आपने बस मेडिकल करना है, इंजीनियर करना है, देखो अपने कज़न को देखो उसने क्या किया और उसने क्या किया, और एक अजीब किस्म का फिज़ा बना होता है आजकल के घरों में। तो आपको तो घर से बाई फोर्स नहीं कहा कि आप यहाँ पर जाओ। जी आजकल भाई सोसाइटी में ऐसा हो रहा है कि आजकल की जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग बच्चों को फोर्स करते हैं, तो पहले तो उन्हें चाहिए कि बच्चों को इतना वो उन्हें इतना गाइड करें कि मतलब वो क्या कर सकते हैं, पहले उससे पूछें इस बारे में। लेकिन आजकल भाई सोसाइटी में लोग नहीं पूछते, आजकल बस तो बच्चों को बोलते हैं कि बस ठीक है यही पढ़ना है, आप कज़न पढ़ रहे हैं, ये तो पहले गलत है पहले। लेकिन बच्चों को स्टूडेंट खुद चाहिए कि अपना को जज करे, खुद अपने पेरेंट्स को बताए कि मैं ये पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता, मैं कर सकता हूँ, तो इस पर यह अच्छा है कि वो खुद करें। लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को ज़्यादा फोर्स ना करें इस चीज़ के बारे में। अच्छा है, बिल्कुल ठीक है कि कह रहा है कि वालदैन को चाहिए कि बच्चों पर फोर्स ना लाए और बच्चों की खुद चॉइस होनी चाहिए कि बच्चा खुद जो कर सकता है, उसे जो पसंद है उसे करना चाहिए। देखो हर इस दुनिया में हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है, हर एक इंसान में अपनी सलाहियत छुपी होती है, लेकिन उस सलाहियत को पहचानना चाहिए और उसे उस जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट बैठा है। उसे भी हम पूछेंगे कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है कि क्या आपको पसंद है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं पसंद है। हाँ जी साबिर साहब। हाँ मेरा तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है, बहुत से स्टूडेंट मैंने जब इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिए ले रहा था तो बहुत से स्टूडेंटों ने मुझे कहा था कि यह बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा कि आसान सब्जेक्ट तो हर एक पढ़ता है लेकिन मैं मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना चाहूँगा। साबिर देखिए, माशरे में ऐसा होता है कि जब कोई मेडिकल में जाता है तो सभी उसके पीछे भाग जाते हैं, लेकिन साबिर ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया जो बहुत अच्छी बात है। साबिर के लिए एक इनाम होना चाहिए कि उन्होंने अलग रास्ता इख्तियार किया। उतने लोगों से सुना था कि स्टैटिस्टिक्स एक टफ सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया, ये बहुत अच्छी बात है। साबिर आप मुझे ये बताएं कि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि घरों से जो वालदैन होते हैं अपने बच्चों पर फोर्स डालते हैं कि आपने ज़रूर मेडिकल में जाना है, अपने इंजीनियर में जाना है, बच्चों को दबाव में लाता है, तो क्या इस किस्म के वालदैन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस किस्म के वालदैन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को इस तरह भेज दे के जिस तरह वो जाना चाहते हैं, ऐसा ना जिस तरह बनना चाहते हैं, और माँ बाप को उसको बोलो कि नहीं आप इंजीनियर बनेंगे। यही बात है कि वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को देखे, अपने बच्चों को परखे कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या उसको सिर्फ मेडिकल और डॉक्टर ये वकील बनना सिर्फ ये नहीं है दुनिया में, इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, आप काउंसलिंग करियर उसका वो भी बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप क्रिकेट में भी जा सकते हैं, आपकी जो जो पसंद है उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन वालदैन की बड़ी गलती है कि अपने बच्चों पर फोर्स लाते हैं। ये साबिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया।